नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और मैं लखनऊ से मुखातिब हूँ। जन सरोकार यानी लोगों से संबंधित जो भी बातें हैं उससे मिलती जुलती बातें हम कुछ करें। मैं अपने इस काव्य पाठ के दौरान अपने काव्य पाठ को भी इस प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये गजल या कविता ये सब साहित्य का हिस्सा है और साहित्य शब्द का जो मूल अर्थ है, जो व्युत्पत्ति के हिसाब से साहित्य शब्द का अर्थ है, वो जिसमें सबका हित समाहित हो, यानी जो सबका हित कर सके वो साहित्य है, सबके हित के लिए। तो मूल रूप से एक साहित्यकार की भूमिका यही होती है कि वो अपने लेखन के माध्यम से लोगों के दुख दर्द को कम कर सके, लोगों के जीवन को एक अच्छा वातावरण दे सके। और इसीलिए हम जब लेखन की बात करते हैं तो कई आयाम हो जाते हैं, कई तरीके की बात करते हैं। एक जैसे कि हम एक मनोरंजन जब प्रदान करते हैं तो भी लोगों का फायदा होता है, उनके तनाव से वो मुक्त होते हैं। कार्यक्रम ललित कला के रूप में मनोरंजन प्रदान, सामाजिक विसंगतियां हैं उन पर रोशनी डालते हुए उनके समाधान का भी प्रयास करना है। वो लेकिन अधूरा है जो समस्याओं के ऊपर इशारा कर देता है, कहीं ना कहीं समाधान की तरफ भी इशारा आवश्यक है। तो मैं कार्यक्रम का आरंभ सबसे पहले लेकर के लिए पंक्तियां कह रहा हूं। करने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यक्ति को सामान्य तौर पे कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं किसी एक विषय विशेष को लेकर के नहीं चल रहा हूं, क्योंकि सच कहा जाए तो जन सरोकार की जितने भी मुद्दे या जितने भी बिंदु हैं, अगर हम गहराई से सोचें तो सब कहीं न कहीं जाकर के आपस में जुड़ जाते हैं। और वो सब हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब हम एक सर्वांगीण अपना दृष्टिकोण करके पर हर चीज की तरफ ध्यान दें। तो मनुष्य को सामान्य रूप से कैसा होना चाहिए, इसकी तरफ मेरी कुछ पंक्तियां देखिएगा कि शुद्धता का हर हृदय में
वास होना चाहिए। शुद्धता का हर हृदय में वास होना चाहिए और समय की गति का हमें आभास होना चाहिए। शुद्धता का हर हृदय में वास होना चाहिए, समय की गति का हमें आभास होना चाहिए और यह जगत भ्रम दृष्टि का है। यह जगत भ्रम दृष्टि का है, ज्ञान है कहता यही। यह जगत भ्रम दृष्टि का है, ज्ञान है कहता यही। सत्य ही बस नित्य है, विश्वास होना चाहिए। सत्य ही बस नित्य है, विश्वास होना चाहिए। और केंद्र में तुम और परिधि में अनगिनत संबंध हैं। केंद्र में तुम और परिधि में अनगिनत संबंध हैं। दे सके जो संतुलन वो व्यास होना चाहिए। केंद्र में तुम और परिधि में अनगिनत संबंध हैं। दे सके जो संतुलन वो व्यास होना चाहिए। और बोलिए मीठे वचन, जीवन बड़ा संक्षिप्त है। बोलिए मीठे वचन, जीवन बड़ा संक्षिप्त है। स्वार्थपरता कटुवचन इतिहास होना चाहिए। स्वार्थपरता कटुवचन इतिहास होना चाहिए। ओ मन में हो दृढ़ता भरी, मन में हो दृढ़ता भरी और कर्म में हो आस्था। मन में हो दृढ़ता भरी और कर्म में हो आस्था। लक्ष्य भेदन कार्य नित सोल्लास होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाना ये कार्य बड़ी खुशी के साथ करना चाहिए, रो रो के नहीं, झिंक के नहीं। तो मन में हो दृढ़ता भरी और कर्म में हो आस्था। लक्ष्य भेदन कार्य नित सोल्लास होना चाहिए। और छल रहित उन्मुक्त जीवन ध्येय हम सबका रहे। छल रहित उन्मुक्त जीवन ध्येय हम सबका रहे। शून्य जीवन में यही अभ्यास होना चाहिए। शून्य जीवन में यही अभ्यास होना चाहिए। यहाँ एक बात मैं कह दूं कि मैं जब हिंदी लेखन करता हूं तो मैंने अपना उपनाम शून्य रखा है, और जब गजलें वगैरह लिखता हूं तो मैंने अपना तखल्लुस होश रखा है। तो जो भी मेरी हिंदी रचनाएं हैं उसमें शून्य अगर आप कहीं सुने तो आप ये मान सकते हैं कि वो मेरा उपनाम है। तो इसीलिए छल रहित उन्मुक्त जीवन ध्येय हम सबका रहे। शून्य जीवन में यही अभ्यास होना चाहिए और शुद्धता का हर हृदय में वास होना चाहिए। समय की गति का हमें आभास होना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हम आज की तारीख में जिस भी स्थिति में हैं, इसके लिए बहुत कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज की तारीख में जो मूल भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उस तरीके की नहीं रही। वो उस पर इतने विदेशी, मतलब मैं कहूँ कि उसके ऊपर इतने प्रभाव हैं विदेशी, कि आज की तारीख में जो शिक्षा हम पा रहे हैं वो हमें मूल रूप से जो हमारी भारतीयता है उससे विमुख कर रही है। तो मैं एक दोहा हमेशा कहता हूँ कि यूं हम पर थोपा गया पश्चिम का अज्ञान, यूं हम पर थोपा गया पश्चिम का अज्ञान, भूले हम चिंतन मनन स्वाभिमान सम्मान। यूं हम पर थोपा गया पश्चिम का अज्ञान, भूले हम चिंतन मनन स्वाभिमान सम्मान। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी जो मूल संस्कृति है, जो हमारी भारतीयता है, उसकी तरफ आप लोग उन्मुख हो, शायद उसी में हम सबका कल्याण है, उसी में इस देश का भी कल्याण है। तो हम लोग इस भावना के साथ अपने जीवन को जिए। अब मैं आपके सामने एक दोहा गजल प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें जो इसका छंद है वो दोहा है, लेकिन इसकी बुनावट गजल की तरह है, इसी दोहा गजल कहते हैं। और आप देखिएगा, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। कैसे कह दूं ये बता, कैसे कह दूं ये बता, मानव तुझे प्रबुद्ध
कैसे कह दूं ये बता, मानो तुझे प्रबुद्ध जब तुझसे पर्यावरण इतना हुआ अशुद्ध, इतना हुआ अशुद्ध। और देखिएगा कि क्यों विकास बढ़ने लगा, क्यों विकास बढ़ने लगा, यूं विनाश की ओर क्यों विकास बढ़ने लगा, यूं विनाश की ओर प्रगति मार्ग हो जाएगा, प्रगति मार्ग हो जाएगा। निश्चित अब अवरुद्ध कैसे कह दूं ये बता, मानव तुझे प्रबुद्ध, मानव तुझे प्रबुद्ध। अगला देखिएगा, जग का स्तर कम हुआ, तापमान है उच्च, जग का स्तर कम हुआ, तापमान है उच्च, समझ तनिक संकेत है, समझ तनिक संकेत है, प्रकृति हुई है क्रुद्ध, प्रकृति हुई है क्रुद्ध। अगला देखिएगा कि नदियों के उद्धार का यदि प्रण ले हर व्यक्ति, नदियों के उद्धार का यदि प्रण ले हर व्यक्ति, फिर गंगा अविरल बहे निर्मल और विशुद्ध, निर्मल और विशुद्ध। और आगे देखिएगा कि संरक्षित पर्यावरण, संरक्षित पर्यावरण का हो वो अभियान, संरक्षित पर्यावरण का हो वो अभियान, जैसे हम हो लड़ रहे विजय हेतु अब युद्ध, जैसे हम हो लड़ रहे विजय हेतु अब युद्ध, और कैसे कह दूं ये बता, मानव तुझे प्रबुद्ध, मानव तुझे प्रबुद्ध। और ये शायद ऊपर नहीं रहे हैं इसलिए मैं इसे धन्यवाद नहीं पा रहा हूँ, इसके बाद। हाँ, अगला देखिएगा, सनातन विद्वता, सनातन विद्वता पश्चिम से अनुराग, फूल सनातन विद्वता पश्चिम से अनुराग, करता है तू आचरण संप्रति धर्म विरुद्ध, करता है तू आचरण संप्रति धर्म विरुद्ध, कैसे कह दूं ये बता, मानव तुझे बुद्ध, मानव तुझे प्रबुद्ध। शब्द मैंने कहा है पाश्चात्यात्मकता, पाश्चात्य हो
की प्रवृत्ति, पाश्चात्यात्मकता है, इसका मैंने इस्तेमाल किया है। देखिएगा, पाश्चात्यात्मकता बनी, पाश्चात्यात्मकता बनी जनमन का अवसाद, पाश्चात्यात्मकता बनी जन्म का अवसाद, शून्य पुनः हम सब करें अपना चिंतन शुद्ध, अपना चिंतन शुद्ध, और कैसे कह दूं ये बता, मानो तुझे प्रबुद्ध, जब तुझसे पर्यावरण इतना हुआ शुद्ध, इतना हुआ शुद्ध। तो जरा देखिएगा कि शुद्धता जलवायु में हो, शुद्धता जलवायु में हो, स्वच्छ हो वातावरण, ये कविता है कि शुद्धता जलवायु में हो, स्वच्छ हो वातावरण, शुद्ध चिंतन शुद्ध देह में पर्यावरण, शुद्धता जलवायु में हो, स्वच्छ हो वातावरण, शुद्ध चिंतन शुद्ध जीवन देह में पर्यावरण, और है प्रकृति ने दी हमें पर्याप्त हरिक संपदा, है प्रकृति ने दी हमें पर्याप्त हरिक संपदा, लोभवश हमने बुलाई है स्वयं यह आपदा, और है प्रकृति से श्रेष्ठ मानव को हुई जो भ्रांति है, है प्रकृति से श्रेष्ठ मानव को हुई जो भ्रांति है इसी का फल धरा पर खो गई अब शांति है, इसी का फल धरा पर खो गई अब शांति है, और व्यस्त है हर क्षण है हर प्रकृति देती है संसाधन जुटा, हर क्षण प्रकृति देती संसाधन जुटा, पर निरंकुश व्यक्ति यूं ही रहा सब कुछ मिटा, पर निरंकुश व्यक्ति यूं ही रहा सब कुछ मिटा, यूं हुआ है जल का दोहन हो गई जल की कमी, यूं हुआ है जल का दोहन हो गई जल की कमी, खेत में मिट्टी में घटती जा रही प्रतिदिन नमी, खेत में मिट्टी में घटती जा रही प्रतिदिन नमी, और वायुमंडल में प्रदूषण हर तरह से व्याप्त है, वायुमंडल में प्रदूषण हर तरह से व्याप्त है, श्वास पाए ये संभावना समाप्त है, श्वास पाए ये संभावना ही समाप्त है, और इस प्रगति के झूठ से, इस प्रगति के झूठ से जैसा हुआ अभाव है, इस प्रगति के झूठ से जैसा हुआ अभाव है, हो गया अनिवार्य चिंतन अब धरा बेहाल है, हो गया अनिवार्य चिंतन अब धरा बेहाल है, हम निभाएं अब प्रकृति से हर घड़ी बस मित्रता, हम निभाएं अब प्रकृति से हर घड़ी बस मित्रता, शत्रु माने हम उसे जिसकी प्रकृति से शत्रुता, हम निभाएं हर घड़ी बस मित्रता, और शत्रु माने हम उसे जिसकी प्रकृति से शत्रुता, और रोक दें यदि हर प्रदूषण व्यक्ति से उद्योग से, रोक दें यदि हर प्रदूषण व्यक्ति से उद्योग से, हो सकेंगे मुक्त सब, हो सकेंगे मुक्त तब हम संकट रोग से, वो गंदगी फैले नहीं सबको इसका ध्यान हो, गंदगी फैले न कोई सबको इसका ध्यान, स्वच्छ कर देंगे धरा को अनवरत अभियान हो, और वन की रक्षा हो तथा जल का उचित उपयोग हो, वन की रक्षा हो तथा जल का उचित उपयोग हो, संचयन वर्षा के जल का हर जगह प्रयोग हो, संचयन वर्षा के जल का हर जगह प्रयोग हो, प्रकृति से अपने टकराओ केवल प्यार हो, प्रकृति से अब ही टकराओ केवल प्यार हो, भावना सम्मान की हो हृदय में आभार हो, भावना सम्मान की हो हृदय में आभार हो, शून्य
शाश्वत सत्य है ये, शून्य शाश्वत सत्य है ये, हो कोई वातावरण, शून्य शाश्वत सत्य है ये, हो कोई वातावरण, था जरूरी और रहेगा सर्वदा पर्यावरण, था जरूरी और रहेगा सर्वदा पर्यावरण। तो ये पर्यावरण पे मेरे कुछ विचार थे, इसमें कुछ सलाह भी कि हम क्या करें, किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करें, और मैं एक अकिंचन साहित्यकार के रूप में सिर्फ यही अनुरोध कर सकता हूँ, ये वतन जिसको प्यारा नहीं है, 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 कोई भी हमारा नहीं है, वो कोई भी हमारा नहीं है, मैं कोई भी हमारा नहीं है, ये वतन जिसको प्यारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, हो कोई भी हमारा नहीं है। और शेर देखिएगा, बोलते इल्म जी भर के बांटे, ज्ञान की संपदा जी भर के बांटे, बोलते इल्म जी भर के बांटे, दौलते इल्म जी भर के बांटे, दौलते इल्म जी भर के बांटे, इसमें कोई खसारा नहीं है, इसमें कोई खसारा नहीं है, खसारा। और शेर देखिएगा, मेरा दिल है मोहब्बत का दरिया, मेरा दिल है मोहब्बत का दरिया, मेरा दिल है मोहब्बत का दरिया, ओ मेरा दिल है मोहब्बत का दरिया, इसमें कोई किनारा नहीं है, इसमें कोई किनारा नहीं है, इसमें कोई किनारा नहीं है। अगला शेर देखिएगा, कि जब भी हारा तो खुद ही से हारा, इंसान हमेशा खुद से हारता है, जब भी हारा तो खुद ही से हारा, जब भी हारा तो खुद ही से हारा, जब भी हारा तो खुद ही से हारा, कोई औरों से हारा नहीं है, कोई औरों से हारा नहीं है। और अगला शब्द देखिएगा, कि उसकी मेहनत का है दौर जारी, 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 वो मुकद्दर हमारा नहीं है, वो मुकद्दर हमारा नहीं है, ये वतन जिसको प्यारा नहीं है। फिर देखिएगा, नेकियां साथ चलती हो जिसके, 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 वो कभी बेसहारा नहीं है, वो कभी बेसहारा नहीं है, वो कभी बेसहारा नहीं है,
लिखेगा कि भूल जा तुझको कुछ ही मिलेगा, भूल जा तुझको कुछ भी मिलेगा, और भूल जा तुझको कुछ भी मिलेगा, और भूल जा तुझको कुछ भी मिलेगा, गर खुदा का इशारा नहीं है, खुदा का इशारा नहीं है, गर खुदा का इशारा नहीं है। अगला शेर देखिए कि खुद जो अपना सहारा न हो तो, ओ खुद जो अपना सहारा न हो तो, खुद जो अपना सहारा न हो तो, खुद जो अपना सहारा न हो तो, फिर किसी का सहारा नहीं है, फिर किसी का सहारा नहीं है। इसका मकता देखिए कि वो सही या गलत क्या बताए, सही या गलत क्या बताए, वो सही या गलत क्या बताए, वो सही या गलत क्या बताए, होश में जो बेचारा नहीं है, होश में जो बेचारा नहीं है, होश में जो बेचारा नहीं है, ओ ये वतन जिसको प्यारा नहीं है, ये वतन जिसको प्यारा नहीं है, हो कोई भी हमारा नहीं है, हो कोई भी हमारा नहीं है, हो कोई भी हमारा नहीं है, ये इसको प्यारा नहीं है। आप लोगों को तहत में एक गजल सुनाने जा रहा हूं कि दुश्मन अगर अजीज हो, दुश्मन अगर अजीज हो तो वार क्या करें। शुक्रिया रीता जी, शुक्रिया निरुपमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा साथ आ रहे हैं। देखिए चेतना कपूर जी भी आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उच्चारण सही कर रहा हूँ। राजेंद्र पासवा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। चेतना जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो ये क्या हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तहत में गजल सुनाने जा रहा हूँ, देखिएगा कि दुश्मन अगर अजीज हो तो वार क्या करें, दुश्मन अगर अजीज हो तो वार क्या करें, दुनिया है प्यार से प्यार क्या करें, दुश्मन अगर अजीज हो तो वार क्या करें, और इतना है प्यार से हथियार क्या करें। और शेर देखिएगा है कर चुके बयान कई बार, है कर चुके बयान कई बार दर्द दिल, अब जिक्र एक बात का हर बार क्या करें, अब जिक्र एक बात का हर बार क्या करें। और देखिएगा तकसीम हो, ये शेर बहुत मखेज है, बहुत अर्थपूर्ण है। देखिएगा कि तकसीम यानी तकसीम हो गए हैं यहां सबके जहन, दिल दिल और दिमाग सबके बट गए हैं, तकसीम हो गए हैं यहां सबके ज़हन और दिल, गिरती नहीं है बीच की दीवार क्या करें, तकसीम हो गए हैं यहां सबके ज़हन और दिल,
गिरती नहीं है बीच की दीवार, क्या करें। और उनको नहीं अगर है ये ख्वाहिश कि हम मिलें, उनको नहीं अगर है ये ख्वाहिश कि हम मिलें, छुप छुप के उनका यूं दीदार क्या करें। उनको नहीं अगर ख्वाहिश कि हम मिलें, उनको अगर नहीं है ये ख्वाहिश कि हम मिलें, छुप छुप के हम भी उनका यूं दीदार क्या करें। और जब हमारा रहा ही नहीं तू, ए वक्त जब हमारा कभी भी रहा न तू, ए वक्त जब हमारा कभी भी रहा न तू, फिर आज हम ये वक्त की रफ्तार क्या करें। फिर आज हम ये वक्त की रफ्तार क्या करें। कि ए होश जिंदगी खुद बहुत दिया, ऐ होश जिंदगी खुद बहुत दिया, ऐ होश जिंदगी ने जब है खुद बहुत दिया, कुछ मां खुद शर्मसार क्या करें, कुछ मां के हम खुद शर्मसार क्या करें। ऐ होश जिंदगी ने है जब खुद बहुत दिया, कुछ मांग के हम खुद को शर्मसार क्या करें। मन अगर अजीज हो तो वार क्या करें, जीतना है से हथियार क्या करें। रहे हैं कर चुके बयान दिल, हैं कर बयान कई बार दिल दिल, अब जिक्र एक बात का हर बार क्या करें, अब जिक्र एक बात का हर बार क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तहत में गजल थी, देखिएगा एक जो कौन है उसको जो कुछ की है, देखिए तरन्न में नवरे दर्द गर, नवरे दर्द गर फिर शायरी अच्छी नहीं लगती, न उबरे दर्द गर फिर शायरी अच्छी नहीं लगती, न क्यों मेरे लब पर रसी अच्छी लगती, जाने क्यों मेरे लब पर अच्छी नहीं लगती, नुबरे गर फिर शायरी अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती। और फिर देगा आज के जमाना क्या है, कि चलन है आज दुनिया में बढ़ा कर सब जताने का, चलन है आज दुनिया में बढ़ा कर सब जताने का, जमाने को हमारी सादगी अच्छी नहीं लगती, जमाने को हमारी सादगी अच्छी नहीं लगती। और अगला कि जामे उठ मक्कारी दिखावे से बचा फिर भी, जामे झूठ मक्कारी दिखावे से बचा फिर भी, किसी
को दी गई पाकीर्गी अच्छी नहीं लगती किसी को भी मेरी पाकीर्गी अच्छी नहीं लगती ठीका? कि मेरा मकसद है ये मेरा मकसद है ये छोटे बड़े सब में मोहब्बत हो आपका मेरा मकसद है ये छोटे मोहब्बत हो मुझे बाबों में ये दुश्मनी अच्छी नहीं लगती मुझे ख्वाबों में भी ये दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। और ये शेर देखिएगा जो आजकल के हालात का चित्र बयां करता है दिखाता है कि किसी भी शय को पाने की करे कोशिश ये वाजिब है किसी शय को पाने की करे कोशिश ये वाजिब है मगर उसके लिए दीवानी अच्छी नहीं लगती मगर उसके लिए दीवानगी अच्छी नहीं लगती। फिर देखिएगा और ये जिंदगी ऐसे ही जी तो बिल्कुल उसका प्रतिनिधित्व जरूरी हो तो संजीदा भी हो जाएंगे हम लेकिन जरूरी हो तो संजीदा भी हो जाएंगे हम लेकिन संजीदगी रचना हमने ये बेवजह संजीदगी अच्छी नहीं लगती। और ये भी शेर मुझे बहुत पसंद है कि ख्यालों के दरिये बंद हैं घुट घुट जिंदा हैं ख्यालों के दरीचे बंद हैं घुट घुट के जिंदा हैं कैसे लोग जिनको ताजगी अच्छी नहीं लगती ऐसे लोग जिनको ताजगी अच्छी नहीं लगती। और मकते के कि कभी तो फिक्र दुनिया हो कभी हो में खुद दर्जी कभी तो फिर दुनिया हो कभी हो में खुद गर्जी हमें ये आवारगी अच्छी नहीं लगती हमें नीयत की आवारगी
चमकता हाजिर है कि हमारे साथ हो, हो, हो हम दुनिया बदल डाले, हमारे साथ हो वो होश हम दुनिया बदल डाले, मगर हमारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती, मगर उनको हमारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। न जाने क्यों मेरे लब पर हंसी अच्छी नहीं लगती, न उभरी दर्द तो फिर शायरी अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है।